जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ वो कोई साधना नहीं है। आज जो मैं आपको बताऊँगा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा से आपको रूबरू करवाऊँगा कि जिसे सुन करके आप अपने दांतों तले उंगलियाँ दबा लोगे। ये जो कथा है ये शमशान भैरवी मृगाक्षी की पूरी जीवन कथा है। किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु के साथ में तंत्र युद्ध किया, कैसे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया, और उस एक ऐसे शिष्य की भी कथा है जो गुरुदेव के ही शिष्य हैं। और देखिए, ये जो कथा है ये बहुत वर्षों पुरानी, आप कहिए ये कथा अब की नहीं है। इसमें जो मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ कि ये जो कथा है ये कई सौ वर्ष पुरानी कथा है। कभी जब हुआ था तब की है ये। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सी तथ्यों को जाना है, गुरुदेव ने बहुत कुछ दिखाया है इसके बारे में, तो इसलिए मैं अपने उन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जो परम सुंदरी है शमशान भैरवी मृगाक्षी को तंत्र साधना और अपने गुरु के साथ में तंत्र युद्ध और किसी अजनबी के प्रति एक मानवीय जो भावनाएं होती हैं उससे वो ओतप्रोत होकर के उठने की एक ऐसी दास्तान है जो वास्तव में ही एक चमत्कारिक भी है और इसके साथ ही अनेक विधि और नियमों से भी सीधा साक्षात्कार है। क्योंकि जो मृगाक्षी है, मृगाक्षी बहुत सुंदर थी और ये मैं आपको कई दूसरी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। क्योंकि आधी जो कथा है लास्ट की, वहाँ से मैंने, मतलब कि मुझे गुरुदेव ने सब कुछ दिखाया है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी तो अपने अनुभव के आधार पर ही मैं आपसे बोल रहा हूँ और जो बाकी बचा कुचा है वो मैं आपको गुरुदेव की ही जबानी, जो उन्होंने बताया, उन्हीं के जो लिखा है उसी के वास्तव में जो शब्दों के द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि इस कथा को मैं पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, इसलिए पहले पार्ट से देखना ही, अगर आप सुनेंगे और देखेंगे वीडियो को तो पहले पार्ट से ही आपको आनंद आएगा और तभी आपके समझ में भी आएगी पूरी तरीके से। और देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि आप अगर बीच में आधे अधूरी छोड़ेंगे तो वो जो कथा है पूरी तरीके से आपकी समझ में नहीं आ पाएगी। तो मैं आप शुरू करता हूँ। उस दिन का तो एक भयंकर विमान दुर्घटना होते होते बच गई। एक ऐसी विमान दुर्घटना जो कि होने वाली थी और जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु शायद मेरे भाग्य में और अभी कुछ वर्षों तक जीवित रहना लिखा होगा। तभी कुछ ऐसे मुझे बिना देखे हुए कुछ ऐसे संकेत स्थायी होंगे जिसकी वजह से इस दुर्घटना के होने पर भी मैं बच गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं आपको सुना रहा हूँ तो इसमें आप मुझे ही समझिए, ठीक है। अब जो गुणवान व्यक्ति हैं वो समझ जाएंगे। उस दिन मैं प्रातःकाल ही सोच रहा था कि यदि आप मुखर्जी बाबू प्लान लेकर के आ जाएं तो मैं अवश्य ही गोरखपुर जाऊंगा। मुखर्जी बाबू के साथ कई वर्षों से मेरा परिचय है, क्योंकि जब मैं कलकत्ता में था तब मैंने उनके बच्चों का ट्यूशन किया था और इसलिए वे मुझे बेटे की तरह मानते हैं। उनके पास पुराना फॉकर का विमान था जिसमें वो यात्रा करते रहते थे। उनका आना बनारस भी होता है और यहाँ से गोरखपुर होते हुए वे पटना चले जाते हैं। कई बार उन्होंने मजाक मजाक में मुझसे कहा भी
कि तुम कभी मेरे साथ चलो, तुम्हें ऐसा आभास होगा कि जैसे तुम हवा में उड़ रहे हो, परंतु मैं हंसकर टाल देता। एक मामूली वेतन पाने वाला अध्यापक बहुत ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखे, ये उचित नहीं है। परंतु उस दिन तुम्हें प्रातःकाल से ही मेरा मन हो रहा था कि मैं हवाई अड्डे पर पहुंच जाऊं। आज गुरुवार है, आज अवश्य ही मुखर्जी महाशय पटना जाने के लिए आएंगे और तेल आदि के लिए हवाई अड्डे पर रुकेंगे। यह मेरा अनुमान ही था, कोई जरूरी नहीं कि वे आवे ही, परंतु उनका यह कहा हुआ वाक्य मेरे ध्यान में था कि मैं किसी गुरुवार को तुम्हारे घर आऊँगा और गर्मा गर्म चाय पीऊँगा। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, सारी रात छटपटाहट में बीती। ऐसा लगा कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण मैं अपने मन को समझाता कि यदि नौकरी छोड़ दोगे तो खाओगे क्या। मैं हवाई अड्डे की तरफ पैदल जा रहा था, मेरा मन ऊट पटांग विचारों से आक्रांत था, जिसका न आदि था और न ही अंत। ये निश्चित था कि मुखर्जी बाबू मिलेंगे ही, और न ये स्पष्ट था कि मैं हवाई अड्डे तक पहुंच भी पाऊंगा, क्योंकि कई बार तो मैं आधे रास्ते से ही लौट आया हूं। मन कहता कि नहीं नहीं, आगे नहीं जाना, लौट चलना है, और मैं लौट आता। उस दिन आकाश साफ था। मैं जब बनारस के हवाई अड्डे पर पहुंचा तो वो सुनसान सा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त में हवाई अड्डा सुनसान था तो कितने टाइम पहले की बात होगी। आज तो वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, परंतु जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सामान्य सा हवाई अड्डा था। मैं उस हवाई पट्टी को देख रहा था कि उधर आकाश में घर घर की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई विमान उतरने की तैयारी में है और उतरने का संकेत मांग रहा है। कुछ ही क्षणों बाद एक फाकर विमान रनवे पर दौड़ता हुआ हवाई अड्डे की उस मटमैली इमारत के सामने आकर के रुक गया। एक छोटा सा फाकर विमान था जिसमें पायलट के अलावा चार आदमी और बैठ सकते थे। कुछ ही मिनटों बाद हवाई जहाज का जो दरवाज़ा था वो खुला और मुखर्जी बाबू बाहर आते हुए दिखाई दिए। मेरे लिए तो ये आश्चर्य ही था, क्योंकि न तो मेरे पास कोई सूचना थी कि मुखर्जी बाबू आएंगे और न ही इस प्रकार का कोई विचार ही। परंतु इस समय तो वे हवाई अड्डे की सीढ़ियों से उतरते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। वही गोरा सा सुंदर गोल बंगाली चेहरा, सिर के छोटे छोटे और सफ़ेद कुर्ते धोती में लिपटा हुआ वो व्यक्ति मेरा सुपरिचित था। हवाई अड्डे की इमारत के पास मुझे खड़ा देखकर प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा। हाथ की छड़ी को कलाई पर रखकर मुखर्जी बाबू ने अपनी बाहों में समेट लिया। बोले, आज अचानक हवाई अड्डे पर कैसे आ गए? लगभग 2 वर्ष हो गए हैं तुम्हें कलकत्ता आए हुए। तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि पिंकी और टीटू नित्य तुम्हें याद करते हैं, परंतु बनारस आकर तो तुमने हम सब लोगों को भुला ही दिया। ऐसे जीवन में कोई जैसे कि जीवन में कोई परिचय ही नहीं रहा हो। अरे, समय और स्थान बदलने से संबंध थोड़े ही बदल जाते हैं। अब की बार मैं पटना से कलकत्ता आऊँगा तो तुम्हें अवश्य ही अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर के जाऊँगा। फिर रुककर बोले, चलो कैंटीन में चलते हैं और गर्मा गर्म चाय की एक एक प्याली ले लेते हैं। तब तक पायलट फाकर में पेट्रोल आदि ले लेगा। कहते कहते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कैंटीन की तरफ घसीट लिया। कैंटीन में कुर्सियों पर बैठने के बाद अपने हाथों से चाय बनाते हुए मुखर्जी बाबू बोले कि हाँ, अब कहो हवाई अड्डे पर कैसे आए? तुमने तो कई बार गोरखपुर आदि चलने के लिए कहा था, आज फ्री हो तो मेरे साथ चलो, मैं कल वापस लौटूंगा और तुम्हें यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। मैंने एक क्षण के लिए हिसाब लगाया कि कल स्कूल जाना है और अगर नहीं गया तो एक दिन का वेतन फिर कट जाएगा, परंतु उस विचार को मन ही मन दबाकर मैंने कहा, मुखर्जी महाशय,
आज मेरी इच्छा गोरखपुर जाने की हो रही है। यद्यपि प्रातः काल से ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई चिंतन नहीं था मेरा, और न ही ऐसा जरूरी काम है कि मुझे प्लेन से गोरखपुर जाना ही पड़े, परंतु पता नहीं क्यों सुबह से ही मन के एक कोने में बराबर इच्छा बन रही है कि मैं गोरखपुर चलूं। गोरखपुर ही क्यों चलूं? इसका भी कोई कारण मेरे दिमाग में स्पष्ट था ही नहीं, परंतु जब भी कहीं चलने की इच्छा होती है तो गोरखपुर का ही ध्यान मन में आता है। आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चले चलता हूँ, पर कल वापस यहाँ मुझे कितने बजे पहुँच जाएंगे? मुखर्जी बाबू ने चाय का एक घूंट लेकर कप को प्याली में रखते हुए बोले कि यही कोई 11 बजे के आसपास। यहाँ से मुझे लखनऊ जाना जरूरी है और वहाँ किसी से 2 बजे का अपॉइंटमेंट है, इसलिए 11:15 तक निश्चित ही तुम यहाँ पहुँच जाओगे। तुम चाहो तो यहाँ से सीधे ही स्कूल पहुँच सकते हो, यहाँ से तो वो नज़दीक ही होगा। चाय समाप्त हो गई। मैंने तो पहले की तरह चाय समाप्त कर दी थी। चाय समाप्त होते ही मुखर्जी बाबू उठ खड़े हुए और बोले कि चलो चलते हैं, हमें जल्दी ही पहुँच जाना चाहिए। और मैं उनके साथ रनवे पर फाकर विमान के पास आगे जाने के लिए आ गया। मैं और मुखर्जी बाबू जब वायुयान में चढ़े तो पता नहीं क्यों मेरा हृदय एक क्षण के लिए कांप कर रह गया। कभी कभी आने वाली संभावित घटनाओं को हमारा सूक्ष्म मन अपने आप ही जांच लेता है। ये बात अलग है कि हम जरूरत से ज़्यादा बुद्धिमान होने का दम भरने के कारण इन सबको दिक्कियानुसी बात कह करके टाल देते हैं, परंतु अब यह वैज्ञानिक परीक्षणों से भी सिद्ध हो चुका है कि हमारा सूक्ष्म मन समस्त संसार में विचरण करता रहता है और आने वाली अज्ञात घटनाओं को पहले से ही भांप लेता है। एक क्षण के लिए मेरा मन घबराया भी और विचलित भी हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं वायुयान से नीचे उतर जाऊं और साथ ही साथ मुखर्जी बाबू को भी उतार लूं, परंतु तब तक पायलट स्मिट ने वायुयान के इंजन को स्टार्ट कर दिया और जो परिचायिका ने वायुयान का दरवाज़ा बंद कर दिया था। कुछ क्षणों के लिए वायुयान रनवे पर दौड़ा और दूसरे ही क्षण उसने धरती छोड़कर आकाश की तरफ पंख पसार दिए। जब तक वायुयान अपनी निश्चित ऊंचाई तक पहुंचकर स्थिर नहीं हो गया, तब तक मैं एक जड़वत मौन सा रहा। मुखर्जी बाबू भी कुछ नहीं बोले, परंतु उनके हाव भाव और चेहरे के उतार चढ़ाव से लग रहा था कि मेरी चुप्पी उनको खल रही हो। एक दो मिनट में मेरी ओर ताकने के बाद वो बोले कि क्या बात है, बड़े चुपचाप से हो, क्या घर की याद आने लगी? मैं कुछ बोला नहीं। तब तक परिचायिका ने चाय के 2 कप हम दोनों के सामने रख दिए। अभी अभी तो चाय पी थी, इसलिए पीने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, परंतु मुखर्जी बाबू ने प्याला होठों से लगाते हुए देख करके मैंने भी जो है ये प्याला हाथ में लेकर के 2 घूंट ले लिए। अभी मुश्किल से वायुयान को वाराणसी छोड़े हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि वो अस्थिर गति से डोलने लगा। ऐसा लगा जैसे इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई हो और वायुयान कैप्टन के नियंत्रण में न रहा हो। मुखर्जी बाबू के कहने से मैंने कुर्सी की पट्टी कमर से कस करके बांध ली, परंतु फिर भी वायुयान बार बार हिचकोले खा रहा था, उसकी गति सामान्य नहीं थी। तभी परिचायिका जो होती है कॉकपिट से घबराती हुई बाहर निकली और मुखर्जी बाबू से बोली कि मुखर्जी मोशाएं, इंजन का एक पंख टूटकर अलग हो गया है और वायुयान सिमिट के नियंत्रण में नहीं है। अगले ही क्षण कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, आप लोग सावधान रहें। मैं इमरजेंसी दरवाजे को लॉक खोलकर तैयार रखती हूँ। मुखर्जी बाबू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक पंख टूटने का मतलब वायुयान नियंत्रण में नहीं रहा और अगले कुछ ही सेकंडों में यह फाकर या तो हवा में ही जलकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा या नियंत्रण खोकर जमीन से टकरा जाएगा। उस एक क्षण में मेरे मन सैकड़ों सैकड़ों विचार उठकर लुप्त हो गए।
मृत्यु से एक क्षण पहले पूरे जीवन का इतिहास आंखों के सामने साकार हो जाता है, और वस्तुतः उस एक क्षण में मेरे जीवन के सारे चिन्ह, जीवन की सारी घटनाएं आंखों के सामने तैर गई। कल के सपने मटिया मेट हो गए। मैं इस प्रकार अकाल मौत को प्राप्त हो जाऊं, इसकी तो मुझे कल्पना ही नहीं थी। मैं अपने आप को काफ़ी मजबूत दिल वाला समझता रहा हूं, परंतु इस क्षण मेरा सारा धैर्य समाप्त हो गया। मेरा चेहरा मृत्यु की आशंका से सफ़ेद झक हो गया। मैंने इस कठिन मृत्यु की घड़ी में भी मुखर्जी बाबू के चेहरे की ओर ताका तो ऐसा लग रहा था जैसे रुई की तरह उस सफ़ेद चेहरे में खून का एक कतरा भी ना हो। आँखों से आंसू बह रहे थे, गला रुंध गया था और होठों से माँ काली शब्द उच्चरित हो रहे थे। मौत और आदमी का क्या संबंध होता है, यह मौत की घड़ियों में भली प्रकार से जाना जा सकता है। हम दोनों के हृदय फड़फड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षण हमारी जिंदगी के बाकी हैं। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर का दृश्य भली प्रकार से देख रहा था। मैं देख सकता था कि वायुयान निरंतर अपनी ऊंचाई को खो रहा था और तीव्रता के साथ में जमीन की ओर बढ़ रहा था। चालक सिमिट पूरी शक्ति से यंत्रों से जूझ रहा था। उसका शरीर पसीने पसीने हो रहा था। वह किसी भी प्रकार से वायुयान को अपने नियंत्रण में नहीं ले पा रहा था। हमारी कुर्सी के सामने कॉकपिट के बाहर हॉस्टेस घुटने के बल बैठी क्रॉस को सीने से लगाए ईसा को स्मरण कर रही थी। वायुयान कटी पतंग की तरह डोलता हुआ निरंतर नीचे की ओर झुक रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लंबा तगड़ा योगी वायुयान के समानांतर उड़ रहा है। मेरे लिए ये घोर आश्चर्य की बात थी, परंतु ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जो कुछ मैं देख रहा था वो भी सर्वथा सत्य था। लंबा दुबला पतला शरीर, गौर वर्ण और चमकती हुई दो आँखें, सिर पर लंबी और सफ़ेद जटा तथा नीचे की ओर झूलती हुई दाढ़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं देख रहा था कि वायुयान जिधर मोड़ लेता है साधु भी उधर ही समानांतर मोड़ ले रहा था। मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही थी। मैंने अपनी आंखें मल करके देखा, परंतु जो सत्य था वो सत्य था ही, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कि वायुयान अब उतना अधिक नहीं डोल रहा था जितना पहले डोल रहा था। हो सकता है यह मेरी आंखों का भ्रम हो, यह भी हो सकता है कि मृत्यु से पहले जिस प्रकार मनुष्य को अजीबोगरीब दृश्य और घटनाएं दिखाई दे जाती हैं, उसी प्रकार से कुछ दिव्य स्वप्न का मुझे अनुभव हो रहा हो। पर यह भी हो सकता है कि वास्तव में ही कोई उच्च कोटि का योगी हमें बचाने का प्रयत्न कर रहा हो। इन योगियों की महिमा निराली है। इनके पास प्रत्येक प्रकार की सिद्धि और शक्तियाँ होती हैं। इनके लिए सब कुछ संभव होता है। हो सकता है यह योगी आकाश पथ से कहीं आगे की ओर गतिशील हो रहा होगा और वायुयान को डोलते हुए देखकर अपनी शक्ति से उसे नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हो। अभी भी मैं उस साधु को बराबर वायुयान के समानांतर उड़ते हुए देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वायुयान जमीन के बहुत निकट आ गया है। अब कॉकपिट का दरवाज़ा खुला था। मैं उसके अंदर बैठे हुए चालक स्मिट को देखने के लिए मुड़ा और उस एक क्षण में ही मैंने देख लिया कि उसका चेहरा मृत्यु की छाया से ग्रस्त है। आंखों में मौत पूरी तरीके से समा गई थी। बुद्धि पर अशुभ छाया पड़ी हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब इस वायुयान का जमीन से टकराना निश्चित है। टकराते ही एक भयंकर विस्फोट होगा, वायुयान के परखच्चे उड़ जाएंगे और इंजन में आग लग जाने की वजह से सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अभी गोरखपुर बहुत दूर था। वायुयान जमीन से मुश्किल से 100 मीटर ऊंचा रहा होगा। एक क्षण के लिए मैंने बाहर झांका तो वायुयान
पेड़ों की जो फुनगियाँ होती है ना, ऊपर जो चोटियाँ होती हैं पेड़ों की, उनको छूता हुआ मृत्यु की ओर भागा चला जा रहा था। जो साधु समानांतर उड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था, अब उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। तभी वायुयान पेड़ की डाली को काटता हुआ एक खेत की समतल भूमि पर उतर गया। ऐसा लगा जैसे किसी किन्हीं अदृश्य शक्तियों ने हाथों में खिलौने की तरह उठाकर उसे जमीन पर रख दिया हो। न तो किसी प्रकार का कोई विस्फोट हुआ और न ही वायुयान में आग लगी। जो कुछ हुआ वो सर्वथा अप्रत्याशित था, आश्चर्यजनक था। पायलट स्मिथ के लिए यह सब कुछ अप्रत्याशित था। वो दौड़कर बाहर आया और कॉकपिट में ही खुले हुए संकट द्वार से हमें बाहर निकालने के लिए घसीट कर ले जाने लगा। तभी मुखर्जी बाबू की आंखें जो थी वो मृत्यु भय से बंद थी और सारा शरीर लगभग ठंडा सा पड़ गया था। मिस्टर स्मिथ के 3-4 बार हिलाने से उनकी मृत्यु तंद्रा भंग हुई। स्मिथ ने अंग्रेजी में मुखर्जी को बाहर चलने के लिए कहा, साथ ही मुझे भी, इंजन बहुत गर्म है और किसी भी क्षण यह फट जाएगा एकदम से, इसलिए तुरंत वायुयान से बाहर आ जाइए। और वह मुखर्जी बाबू को घसीटते हुए कॉकपिट के संकट द्वार की ओर ले गया। मैं भी मुखर्जी बाबू के पीछे था। जब मैंने कॉकपिट में प्रवेश किया तो मुझे ताजे खिले हुए चमेली के पुष्पों की सुगंध अनुभव हुई, परंतु ये क्षण सोचने का नहीं था, न ही इस बात का पता लगाने का था कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है। इस समय तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलकर उतनी दूर जाकर रुकना था। तभी मैंने सामने व्हील पर चमेली की माला पड़ी हुई देखी। अब तक चालक स्मिथ संकट द्वार से जो है नीचे उतर गए थे और सहारा देकर उन्होंने मुखर्जी बाबू को भी उतार लिया था। हॉस्टेस मेरे पीछे थी। मिस्टर स्मिथ मुझे नीचे उतरने के लिए कह रहे थे, पर संकट द्वार पर एक क्षण के लिए बैठकर मैंने अंग्रेजी में मिस्टर स्मिथ से उस चमेली की माला की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यह माला आपने खरीदी या यहाँ रखी थी? मिस्टर स्मिथ ने उस माला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो उन्होंने कहा, नो, मुझे फूलों से एलर्जी है, यह माला यहाँ कॉकपिट में कहाँ से आ गई? मैं रहस्य समझ गया कि उस योगी ने ही कॉकपिट में बैठकर उन यंत्रों को अपने नियंत्रण में लेकर वायुयान को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए खेत में उतार लिया था, और जाते जाते स्मृति स्वरूप वो माला यहाँ रख करके गए थे। मेरे चेहरे पर मृत्यु की इन भयानक घड़ियों में भी मुस्कान फैल गई। चालक मिस्टर स्मिथ मुखर्जी बाबू को लेकर खेत में एक तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे और हम लोगों को भी उस तरफ आने का संकेत कर रहे थे, परंतु अब मैं निश्चिंत था क्योंकि मैं समझ रहा था कि यदि वायुयान के परखच्चे उड़ने ही होते तो कभी के उड़ गए होते, अब कुछ भी नहीं होगा। कुछ क्षण हम खड़े खड़े उस वायुयान की तरफ ताकते रहे। हर पल हर क्षण यही मन में आशंका थी कि अब किसी भी क्षण वायुयान गर्मी की अधिकता में जल करके समाप्त हो जाएगा। आधा घंटा बीत गया पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। वायुयान ज्यों का त्यों अड़िग खड़ा था। अब तक पास के गांव में कई लोग जो हैं इस कौतूहल को देखने के लिए खेतों में इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वायुयान को पकड़कर धीरे से जमीन पर उतार दिया हो। यह हम सब के लिए आश्चर्यजनक घटना थी। मिस्टर स्मिथ के अनुसार वायुयान का बचना या किसी सही ढंग से लैंडिंग करना संभव ही नहीं था, पर जो कुछ हुआ वो हम सब के लिए आश्चर्यजनक ही था। निर्णय यह हुआ कि गोरखपुर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, इसलिए कोई टैक्सी करके गोरखपुर के एयरपोर्ट के कर्मचारियों से मदद लेकर वायुयान को कलकत्ता तक उड़ाने के लायक बना दिया जाए। हम कुछ समय तक तो पैदल चले। थोड़ा सा आगे चलने पर एक खाली ट्रैक्टर मिल गया और हम गोरखपुर पहुंच गए।
मैं और मुखर्जी मसाएं गोरखपुर के नूतन होटल में रुके। यह होटल अन्य होटलों की अपेक्षा ज़्यादा साफ सुथरा प्रतीत हुआ। थके थकाए तो थे ही, इसलिए स्नान आदि से निवृत्त होकर कपड़े बदले और नाश्ता किया, परंतु मन में किसी प्रकार की शांति नहीं थी। इतने वर्षों से मुखर्जी बाबू का निमंत्रण था और जब निमंत्रण का पालन कर वायुयान में बैठा तो यह घटना हो गई जो सर्वथा अप्रत्याशित थी। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक घटना ये थी कि हम सब मृत्यु के मुँह से सकुशल वापस लौट आए थे। इससे एक बात तो स्पष्ट थी कि अभी हमारे भाग्य में मौत लिखी नहीं थी। ईश्वर को अभी हमें कुछ दिन और जिंदा रखना था। कोई ना कोई ऐसा अवश्य था कि जिसकी वजह से हम बच सके, और ये एक रहस्य था। और काल के गर्भ में क्या घटना है आगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शाम को मैं और मुखर्जी बाबू गोरखपुर के बाजार में घूमते रहे, गीता प्रेस जाकर दो चार किताबें खरीदी और शाम को लगभग 6-6:30 बजे हम गोरखपुर के मंदिर की ओर चले गए। गोरखनाथ सही शब्दों में युग प्रवर्तक और युग पुरुष थे। उन्होंने नवीन मंत्रों की रचना कर एक नया मार्ग प्रशस्त किया था जो कि गोरखनाथ संप्रदाय के नाम से विश्वविख्यात है। वास्तव में इस अवधूत योगी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को जो है जीवित रख करके संघर्षों, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके आलोक में गूढ़तम जो मंत्र रहस्य दुनिया के सामने स्पष्ट हो सके। यदि देखा जाए तो गोरखनाथ का एक एक दिन, एक एक क्षण चुनौतियों का क्षण था। उस समय सारा वातावरण गोरखनाथ के खिलाफ था, परंतु इस काल पुरुष ने अपनी अजय संकल्प शक्ति के सहारे उन चुनौतियों का डट करके सामना किया और सारे विरोधियों को परास्त करता हुआ अपने पथ पर अविरल गति से अग्रसर होता रहा। इसलिए आज भी मंत्र अध्येता उस काल पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। मैं अब मुखर्जी बाबू के साथ मंदिर में पहुंचा तो चारों तरफ एक विशेष प्रकार की शांति महसूस हुई, परंतु यह शांति मरघट की शांति नहीं थी, बल्कि इस शांति में भी अंदर ही अंदर एक ऐसा लावा, एक ऐसा विद्युत प्रवाह महसूस हो रहा था जिससे कि सारा वातावरण चैतन्य, ऊर्जा और प्राणवान हो रहा था। मुझे यह वातावरण अत्यधिक रुचिकर प्रतीत हुआ। मंदिर के एक तरफ महंत जी का निवास स्थान था जहां गोरखनाथ से संबंधित साहित्य भरे पड़े थे। महंत जो स्वयं विद्वान और गोरख ज्ञान के अन्यतम अध्येता थे, जिनके प्रयत्न से इस गोरख साहित्य की सुरक्षा हो सकी, वो अत्यंत सुंदर, आकर्षक शरीर, दीप्तिमान चेहरा, उन्नत भाल और आकर्षक प्रदान करने वाली आंखें, सब मिलाकर के महंत जी के व्यक्तित्व को जो भव्यता वो प्रदान कर रही थी। उन्होंने हम दोनों को बाहर से आया हुआ जान करके प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाया और आने का प्रयोजन पूछा। आधा घंटे के बाद हम दोनों वहां से उठ खड़े हुए और मंदिर के मुख्य भाग में जाकर गोरखनाथ की आकर्षक और तेजस्वी प्रतिमा के दर्शन किए। वास्तव में गोरखनाथ की मूर्ति अत्यंत ही प्राणवान और चेतना युक्त है। ऐसा लगता है जैसे गोरखनाथ की विशाल आंखें सीधे हृदय में प्रवेश कर रही हैं और हमारे सारे अंतर को टटोल करके देख रही हैं। मैं मन ही मन उस छवि पर मंत्रमुग्ध सा हो गया। मैंने इस महापुरुष की जीवनी पढ़ी थी, इससे संबंधित साहित्य का अध्ययन भी किया था और इन सब का मेरे चित्त पर एक गहरा और स्थायी असर पड़ा था। इतने उच्च कोटि के ग्रंथों का रचयिता मेरे सामने खड़ा था, वो चाहे मूर्ति में ही क्यों ना हो, परंतु था तो वही व्यक्तित्व, और मेरे दोनों हाथ स्वत ही श्रद्धा से उनके सामने झुक गए। मैं और मुखर्जी बाबू गोरखनाथ की मूर्ति के दर्शन करके बाहर निकले और प्रांगण से होते हुए जैसे ही सीढ़ियों के नीचे उतरे कि सीढ़ियों के एक तरफ एक तेजस्वी,
कन फटा योगी खड़ा था। देखकर सारा शरीर सन्न सा रह गया। मैं ही नहीं, मुखर्जी मुसाई भी उस अवधूत को देखते ही दो कदम पीछे हट गए। लंबा चौड़ा बलिष्ठ शरीर, बैल की तरह सुदृढ़ उसके कंधे और मोटी और मजबूत उसकी गर्दन, दोनों हाथ ही लंबी चौड़ी, दो हाथ किस बराबर की लंबी चौड़ी छाती, जिसे रोमांचित उसके छाती पर उगे हुए जो बाल थे और लंबे और मजबूत हाथ उसके, और उसका जो ललाट था वो उन्नत था और कटोरी की तरह मोटी मोटी लाल सुरख आँखें, जैसे कि हजारों बोतलों का नशा एक बार में ही कर लिया हो। फिर पर इतना ऊंचा और लंबा जटाजूट कि कुछ पता ही नहीं चलता था। एक हाथ में मोटा सा चिमटा और दूसरे हाथ में लोहे की बनी हुई कोई नुकीली वस्तु, जिसे देखते ही भय लगता था। ऐसा भयंकर व्यक्तित्व इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह यदि अपनी मजबूत, अगर किसी मजबूत बैल से भी यह टकरा जाए तो केवल एक ही टक्कर में बैल के प्राण पखेरु उड़ाने में स्वाभाविक थे। आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। उसको देखकर पूरे शरीर में सिरहण सी दौड़ गई। मुखर्जी बाबू उसको देखते ही दो तीन कदम पीछे स्वतः ही हट गए और चक्कर खा करके सीढ़ियों पर ही धम्म से बैठ गए। मैंने एक दृष्टि मुखर्जी बाबू पर डाली और दूसरी दृष्टि उस कनफटे अवधूत पर डालकर मैंने दोनों हाथों से बंगाली बाबू को उठा लिया। तभी वो कनफड़ा अवधूत जोरों से अट्ठास कर हंस पड़ा। उसकी हंसी वास्तव में पैसाचिक हंसी थी कि जैसे कोई पिशाच हंस रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे बांस का जंगल हवा की जोर से जो खड़खड़ा करके एकदम से बोल उठा हो और शमशान में किसी पिशाच ने जोरों से अट्ठास कर लिया हो। वो हंसी प्राणों को कपाने वाली थी। मैं मुखर्जी बाबू को लेकर सीढ़ियों से उतर करके निकल जाना चाहता था, परंतु वो अवधूत सीढ़ियों के बीच में इस प्रकार से खड़ा था कि हम चाहते हुए भी सीढ़ियां पार करके नहीं निकल सकते थे। फिर भी मैंने हिम्मत करके दो सीढ़ियां मुखर्जी बाबू को लेकर नीचे उतरा कि उस अवधूत की आंखें एकदम से तन गई। चेहरे के डोरे लाल सुर्ख हो गए और पूरा चेहरा तमतमा उठा। उसके सामने ही उसकी अवज्ञा कर बिना उसकी अनुमति के कोई दो सीढ़ियां भी नीचे उतर जाए, वह शायद उसके लिए चुनौती सा था। तभी उसने अपनी वो दो लाल सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। एक बारगी में ही हम दोनों कांप करके रह गए। मुझे चिंता अपनी नहीं थी जितनी मुखर्जी की थी। यदि हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया तो एक मुसीबत मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं मुखर्जी बाबू को अपने पीछे करके नीचे उतर रहा था और चाहता था कि इस योगी से यदि उलझना ना ही हो तभी ठीक रहेगा। राजा, योगी, अगन, जल, इनकी उल्टी रीत, ये कड़े और अपनी ही धुन के जीव होते हैं। ये ना मालूम ये कब क्या कर बैठे, इसलिए इन लोगों से उलझना व्यर्थ की मुसीबत को मोल लेना होता है। मैं आगे आगे सीढ़ियों से उतर रहा था। सीढ़ियों के नीचे बाईं ओर वो अवधूत खड़ा था, इसलिए अपने दाहिने हाथ में मुखर्जी बाबू का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही मैंने अंतिम सीढ़ी को पार करके आगे कदम रखा और मुश्किल से दो तीन डग ही भरे होंगे कि वो अवधूत जोरों से हंस पड़ा। उसकी हंसी ऐसी डरावनी और दिल दहला देने वाली थी कि चलते चलते भी हमारे पांव ठिटक गए। परंतु मैं रुकना नहीं चाहता था, इसलिए एक क्षण के लिए रुककर दूसरे ही क्षण में मुखर्जी बाबू को घसीटता हुआ सा जल्दी जल्दी डग भरने का उपक्रम कर ही रहा था कि मेरे कंधे पर वज्र की तरह हाथ पड़ा। वो हाथ मेरे कंधे पर पड़कर रह ही नहीं गया, परंतु
बल्कि उसने अपनी मजबूत उंगलियां कंधे के मांस में गड़ा सी दी, ऐसे गड़ रही थी उंगलियां, और कंधे के ऊपर की हड्डी उसकी हथेली के नीचे दब सी रही थी। मैं एक क्षण के लिए ही भाप गया कि यह मजबूत और वज्र की तरह हथेली उसी अवधूत की हो सकती है। मैं पीछे मुड़ा, हथेली के दबाव की वजह से पूरी तरह से पीछे मैं मुड़ नहीं पाया, किंतु यह छोटे से मोड़ में ही उसकी तमतमाए चेहरे और लाल सुर्ख आँखों को देख करके पूरे शरीर में एक सिरहन सी व्याप्त हो गई। सारा चेहरा अंगार की तरह दहक रहा था और रह रहकर उसकी मूछों के बाद और दाढ़ी जो है उसकी फड़फड़ा रही थी। यदि मजबूत दिल वाला आदमी भी उस अंधेरी रात में उस अवधूत को ऐसे स्वरूप में देख ले तो निश्चित ही गस खा के गिर पड़ गया। फिर भी मैंने अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास किया। अब तक उसका वह वज्रयुक्त हाथ मेरे कंधे पर पड़ रहा था और एक व्याघ्र की तरह उसकी पैनी उंगलियां मेरे कंधे के मांस में गड़ रही थी। मैंने एक क्षण के लिए अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली और दोनों हाथों की ताकत लगाकर कंधे पर रखते हुए हाथ को झटक दिया, पर मैं एक क्षण से भी ज़्यादा उसकी आंखों में ताक नहीं सका, क्योंकि उनमें बला की गर्मी थी और तेज था। मैंने न मालूम किस जोश और साहस से उसके हाथ को झटक तो दिया, परंतु भावी अज्ञात आशंका से मेरा मन ही मन घबरा रहा था कि अब ये कुछ भी कर सकता है। अगर संतोष था तो केवल इतना कि मैं जंगल में नहीं हूँ अपितु मंदिर में हूँ, और अभी भी इक्का दुक्का लोग अवश्य ही 8-10 लोग मेरी सहायता के लिए आ ही जाएंगे। मैं उस वक्त चिल्लाना भी चाहता था, परंतु ये प्रयास व्यर्थ गया, क्योंकि अज्ञात भय ने मेरे ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और मेरी यह चीख मेरे अंदर ही घुट करके रह गई। कोई व्यक्ति उसके हाथ को झटक दे, यह उसके लिए चुनौती सा था। इसी वजह से उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया और उसके मुख से जोर की हूं की ध्वनि निकली, जो कि अत्यंत भारी घोषमय और दिल दहला देने वाली थी। मानो कह रहा हो कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे हाथ को झटक दो। यह हूं कई कई प्रसन्न और अज्ञात आशंकाएं मेरे सामने खड़ा कर गई, परंतु जो कुछ होना था वो तो हो चुका। अब डर कर पीछे हटना भी कोई अपने आप में कोई मायने नहीं रखता था। उस समय वहाँ से मैं भाग भी नहीं सकता था और मुझे विश्वास था कि यदि मैं भागता तो वो अवधूत पीछे दौड़कर मुझे शायद ही पकड़ पाता, परंतु दुबली पतली काया लिए मुखर्जी बाबू मेरे साथ थे और वे किसी भी तरीके से मेरे साथ इतना तेज जो है नहीं दौड़ सकते थे। उनको छोड़ कर के जाना संभव नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से डर करके खड़ा रहा वहीं पे। मैंने अपनी दाहिनी और मुखर्जी बाबू को देखा तो मुझे दूसरा धक्का लगा। मुखर्जी बाबू उस भीमकाय अवधूत को देखकर और उसकी हुंकार ध्वनि को सुनकर के निर्जीव से हो गए। उनके प्राण मुंह को आ गए थे, आंखें फैल गई थी और उनका सारा शरीर थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था कि यदि मैंने एक क्षण का भी विलंब किया तो निश्चित ही मुखर्जी बाबू धड़ाम से गिर पड़ेंगे, और फिर उनको उठाना संभालना और होश में लाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मैं उनको सहारा देता तब तक वे धम से जमीन पर बैठ गए। अकस्मात मैंने देखा कि वो अवधूत मेरे पास से हटकर मुखर्जी बाबू के सामने आकर खड़ा हो गया और उनकी दाहिनी कलाई पकड़कर एक ही झटके में उन्हें पैरों पर खड़ा कर दिया। वह तो पहले से ही आधे मरे हुए थे, कलाई पकड़ते ही उनका रहा सहा जोश और दमखम भी समाप्त हो गया।
अवधूत मुखर्जी बाबू को कलाई पकड़कर आगे बढ़ गया और वह भी जो है घसीटते हुए से उनके पीछे पीछे चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कसाई बकरे को पकड़कर वध करने के लिए ले जा रहा हो। जब अवधूत 8-10 कदम आगे बढ़ गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुखर्जी बाबू के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ गया। मैंने एक दो बार चिल्लाने की भी कोशिश की। मैं यदि एक आध मिनट के लिए रुका भी तो वो भी व्यर्थ ही रहा, क्योंकि मैं मुखर्जी बाबू और अपने बीच का फासला बढ़ाना नहीं चाहता था। अंधेरी रात में यदि थोड़ा सा भी फासला बढ़ा तो फिर उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात में देख पाना भी असंभव था। इसलिए मैं बाहर दौड़ता हुआ सा उनके साथ ही रहना चाहता था। मंदिर के बाहर आकर वो अवधूत एक क्षण के लिए रुका और मुखर्जी बाबू का हाथ उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बावजूद मुखर्जी बाबू जड़वत वहीं से खड़े हो गए। जो ही उसने मुखर्जी बाबू का हाथ छोड़ा, एक या दो क्षण तो वो धर धराते खड़े रह सके, पर दूसरे ही क्षण वो भरभरा करके जमीन पर बैठ गए। मैं मुखर्जी बाबू को संभालने या खड़ा करने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उस अवधूत का दाहिना हाथ मेरी कलाई पर पड़ा। मेरी दाहिनी कलाई को पकड़कर उसने एक ही झटके में मुझे खड़ा कर दिया और मुझे बिना मेरी इच्छा के तेजी से लेकर के आगे बढ़ गया। मैंने 8-10 कदम चलने के बाद प्रतिरोध भी किया, क्योंकि मैं मुखर्जी बाबू को ऐसी स्थिति में अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। न मालूम इस घबराहट में उनके हृदय पर क्या असर पड़ा होगा, परंतु दूसरे ही क्षण उस अवधूत ने व्याघ्र सी आवाज़ सुनाई दी उसकी। उसकी चिंता मत करो, वो स्वतः उठकर होटल पहुंच जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है, सीधे सीधे चले चलो, तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं होगा। परंतु यदि तुमने किसी प्रकार का प्रतिरोध किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे कंधे पर डाल कर तुम्हें अपने कंधे पर डाल करके निकल जाऊंगा और इससे तुम्हारे सीने की एकाध हड्डी टूट भी जाए तो मुझे दोष मत देना। मैं खिंचा हुआ सा उस अवधूत के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था। मेरे पांव तेजी से गतिशील हो रहे थे, परंतु फिर भी मैं अवधूत के कदमों से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा था। उसकी चाल में बला की तेजी थी। लगभग हम 5-6 किलोमीटर चले होंगे। रात बिल्कुल एकदम निस्तब्ध थी। जंगल में झिंगरों की आवाज़ के अलावा और किसी प्रकार की कोई आवाज़ कानों में सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ये भी पता नहीं था कि हम कहाँ और किस तरफ जा रहे हैं। ये अवधूत कापालिक है या वाम मार्गी? सुना था कि गोरखनाथ के मंदिर के आसपास सैकड़ों कापालिक और कनफड़े जो योगी साधु साधनाओं में रत हैं, कई भैरव और भैरवियाँ शमशान साधनाओं में मग्न हैं और यहाँ से लेकर नेपाल तक का पूरा प्रदेश इस प्रकार के तांत्रिकों से भरा हुआ है, जिसका एक सिरा गुरु गोरखनाथ का मंदिर है तो दूसरा सिरा नेपाल का प्रसिद्ध तांत्रिक तीर्थ दक्षिण काली का मंदिर। लगभग 3-4 घंटे हम दोनों बराबर चलते रहे। इस पूरी अवधि में न तो अवधूत कुछ बोला और न मुझे कुछ बोलने का साहस हुआ। अब तक मेरे मन में कुछ कुछ हिम्मत और साहस का संचार हो रहा था। मैंने निश्चय कर लिया कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब घबराने या विचलित होने से फ़ायदा भी क्या है। मैंने एक आध बार पीछे मुड़कर लौटने का भी निश्चय किया, परंतु ज्यों ही लौटने का उपक्रम करता कि मेरे पैर बंद से जाते और चाहते हुए भी ना तो पीछे मुड़ पाते और ना ही मैं लौट पाता। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस अवधूत ने मुझे किलित कर दिया हो, जो कि निरंतर आगे की ओर ही गतिशील हो सकता है। पीछे मुड़कर न तो देखा जा सकता है और न ही पीछे जाने का मौका ही रहता है। अब थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगी थी। अवधूत के पैरों में कुछ ज़्यादा ही तेजी आ गई।
उसने कुछ दूर चलने के बाद मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लाया गया है तुम्हें। अब तक वे रोशनियां नज़दीक हो गई थी। मैंने देखा वो स्थान कुछ कुछ खंडहर सा था। पुराने जमाने में यहाँ बहुत बड़ी हवेली या किला रहा होगा, परंतु अब सब कुछ धूमिल सा हो रहा था। जगह जगह पत्थरों के ढेर थे, टूटी हुई दीवार, बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा था। इन खंडरों के बीच कई कापालिक सर्वथा नग्न होकर किसी विशेष साधना में रत थे। अब मैं उन लोगों के चेहरे भी साफ साफ देख रहा था। सामने बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ दिखाई दे रहा था और उसके एक तरफ कोई अवधूत नग्न सा बैठा हुआ किसी पशु के मांस को काट काट कर उस अग्नि कुंड में फट स्वाहा शब्द के साथ होम कर रहा था। इन दो शब्दों से पहले वह किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहा था ये साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा था, परंतु ऐसा दिखाई दे रहा था कि वह कोई वाममार्गी तांत्रिक क्रिया है जिसमें मृत पशु का मांस से होम किया जाता है। यज्ञ कुंड के पास ही बिखरे हुए प्याले, गिलास और शराब की बोतलें लुढ़की हुई थी। अवधूत ने पूरी तरह से शराब चढ़ा रखी थी क्योंकि उसकी आंखों के डोरे लाल सुर्ख थे। बड़ा सा चेहरा अग्नि स्फुटलिंग की तरह लपलपाती हुई आंखें, सीने पर लहराती हुई काली दाढ़ी और पीछे की ओर लंबे बिखरे हुए बाल और जटाएं, सब कुछ मिलाकर के एक विभीष सा दृश्य ही उपस्थित कर रहे थे। बीच बीच में वो कापालिक मांस के साथ शराब की आहुति भी देता जा रहा था। ऐसा करते समय उसकी आंखों की चमक कुछ विशेष बढ़ जाती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो क्रिया कर रहा है वो सही हो रही है, इसलिए उसके मुख से कभी कभी किलकारी सी भी निकल जाती थी। हम दोनों वहां आकर के खड़े हो गए, परंतु कापालिक को हमारे आने का भान नहीं था। वह उसी प्रकार अपनी अभिचार क्रिया में रत था। बीच बीच में वह ओम मणि पद में हुम फट की ध्वनि करता रहा और कुंड में शराब की आहुति देता रहा। साथ ही साथ कुछ घूंट चषक पात्र में लेकर स्वयं भी लेता था और उसके बाद जो है कुछ बूंदें बच जाती तो उन बूंदों को अपने सिर पर छिड़क देता। मांस और शराब की मिलीजुली गंध से वातावरण में एक विशेष प्रकार का एक अजीब सा वातावरण बना हुआ था। अब वो अवधूत एक तरफ बढ़ा तो मुझे भी उसके साथ उधर बढ़ना पड़ा। मैंने देखा कि 8-10 कापालिक भैरव अपने अपने यज्ञ कुंडों पर इस प्रकार से अभिचार क्रियाएं करने में रत थे। तभी मैंने एक तरफ बड़ा सा यज्ञ कुंड देखा। उस यज्ञ कुंड के पास एक भैरवी बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। सुंदर आकर्षक चेहरा, तीखे नैन नक्श, हंस की तरह उसकी गर्दन, खुले बाल और सुंदर देहे पुष्ट शरीर, सिर के बाल कमर से भी नीचे की तरफ लटके हुए थे। वह योगिनी जहाँ बैठी हुई थी उसके चारों तरफ छोटे छोटे 11 यज्ञ कुंड दहक रहे थे। एक प्रधान और उन 11 यज्ञ कुंडों के बीच बैठी हुई भैरवी प्रधान यज्ञ कुंड में आहुति विसर्जन कर रही थी जिसमें शराब की तरह कोई पदार्थ भरा हुआ था। वह उसमें से निकाल निकाल कर बीच बीच में पीती भी थी और आहुति भी देती जाती थी। उन यज्ञ कुंडों के बीच में बैठना कठोर परीक्षा और कठिन साधना तो थी, एक क्षण के लिए भी बैठना अपने शरीर को भुरता बना देना के समान था। यह कहाँ की थी, यहाँ किस प्रकार से आई थी, अपनी इस सुंदर कोमल काया को
क्यों इस तरह दाह के बीच में जला रही थी, मैं कुछ अनुमान नहीं लगा सका। इतना निश्चिंत था कि वह इस प्रकार की साधनाओं में कई वर्षों से है, क्योंकि इतनी कठिन और कठोर साधना करना प्रत्येक के बस की बात नहीं है। मैं और वो अवधूत कापालिक के सामने खड़े थे। मैं उसकी अभिचार क्रिया को देर तक देखता रहा। अचानक उसकी नज़र फट स्वा कहने के बाद ऊपर उठी और ज्यों ही उसने नज़रें मुझसे मिलाई कि मैं सिहर गया। एकदम से मैं डर गया पूरा। सारा शरीर एक बार की पीपल के पत्ते की तरह कांप गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक और लपक थी कि एक क्षण में ही मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि वह भैरवी ऊंचे खानदान से संबंधित है और अपनी इच्छा से ही इस प्रकार की साधना में रत है। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। चेहरे की कांति और लावण्य अत्यधिक आकर्षक और मोहक थे। पूरा चेहरा नशे में अग्नि दाह से लाल भभूका हो रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी गुलाबी थरथराते होठों से अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट रूप से मंत्र उच्चरित हो रहे थे। वह किसी ऊंची साधना में रत थी। जिस समय वह फट कहती हुई अग्नि कुंड में आहुति विसर्जित करती तो उसका चेहरा और आंखें गुलाबी हो उठते। ऐसा लगता जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ पूरब दिशा में उग आए हों। उसकी रत्नारी आंखें शराब के नशे से और भी ज़्यादा गहरी और आकर्षक हो जाती। वह अधखुले आँखों से झूमती हुई पर अपने आप में चैतन्य बराबर शुद्ध उच्चारण करती हुई आहुति विसर्जित करती जाती थी। मैं मंत्रबद्ध सा खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों को किसी ने बांध दिया हो। चाहते हुए भी मैं वहाँ से ना तो हिल पा रहा था और न ही जा पा रहा था। मेरा पूरा शरीर मंत्र आबद्ध सा था और मेरी आंखें उस भैरवी की आंखें और चेहरे पर टिकी हुई थी। अचानक उसने दोनों हाथों की अंजली हवा में बनाई और दूसरे ही क्षण उसने ताजे गुलाब के पुष्पों से वो भर गई। फिर उसने फूल यज्ञ में समर्पित कर दिए। वह शायद आज के दिन की पूर्ण आहुति थी। कम से कम मुझे उसके शब्दों की ध्वनि से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। दूसरे ही क्षण वो उठी। वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। मैंने अनुभव किया कि अवश्य वह किसी ऊंचे घराने से संबंधित सुंदरी है। मैंने सुना था कि गोरखपुर के आसपास ऐसे कई राजाओं और जागीरदारों के घराने हैं जिनके यहाँ तांत्रिक क्रियाएं कई वर्षों से होती आ रही हैं। उनमें से ही यह किसी घराने की बालिका रही होगी। थकावट से चूर उस सुंदर भैरवी ने एक भरपूर अंगड़ाई ली। मैंने उसकी अंगड़ाई लेते हुए शरीर को देखा तो मेरे शरीर का बहता हुआ खून थम सा गया। लगभग 5.5 फुट का कद लिए वो भैरवी अपने आप में अप्रतिम थी। एक एक अंग उसका सांचे में ढला हुआ, कमर पर व्याघ्र जो मृग चर्म पहना हुआ था जो मुश्किल से ही पिंडलियों को ढक रहा था, और सीने पर एकमात्र कंचुकी। इसके अलावा उसका पूरा शरीर उस चंद्रमा की चांदनी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भूल से भी कोई रंभा या उर्वशी अपनी उच्च महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अरण्य में साधना हेतु आ गई हो। मैं अभी एक टक उसको देख ही रहा था। वह मुझसे सर्वता बेखबर अपने ही किसी सोच में निमग्न थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। शराब के नशे की वजह से जमीन पर टिके हुए पैर जो लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वो अपने प्रयासों से पैरों पर खड़ी हुई थी और
अर्धनिर्मित नेत्रों के द्वारा यज्ञ से उठती हुई लपटों को देख रही थी। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि उसने उस यज्ञ कुंड की एक परिक्रमा की और कुंड से भभूत लेकर टीका सा अपने ललाट पर जड़ दिया। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा पर लंबी रेखा खींच दी हो। अब उसने मेरी ओर देखा, फिर कपालिक को देखकर उसके होठों पर एक क्षण के लिए आई मुस्कुराहट से मैंने अनुभव किया कि कपालिक और भैरवी अवश्य ही एक दूसरे से परिचित रहे होंगे, क्योंकि भैरवी को देखकर कपालिक मुस्कुरा रहा था और उस भैरवी की क्रियाओं को देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भैरवी ने अभी अभी जो क्रिया संपन्न की है वो सही ढंग से हो गई है। कपालिक को एक क्षण देखने के बाद उसकी नज़रें मेरे शरीर पर टिक गई और एक क्षण में ही उसने आँखों ही आँखों में मुझे तोल लिया। उसके होठों पर व्यंग की एक हल्की सी रेखा उभर आई, मानो कह रही हो, इस भक्कू को कहाँ से उठा लाए, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। वह अपने स्थान से हिली और कपालिक के पास से होती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो मेरे से सटकर खड़ी थी। मैं उसके शरीर से निकलती हुई सुगंध को अनुभव कर रहा था। उसने अपनी गुलाबी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। मैं निरीह भाव से खड़ा था। ना तो मेरे लिए कुछ बोलने का अवसर था और ना ही कुछ करने का। मन ही मन मैं अत्यधिक भयभीत अवश्य था। ऐसे लोग कार्य सिद्धि के लिए नरबली दे देते हैं। हो सकता है मुझे नरबली के लिए चुना गया हो। ये सोचकर मैं अंदर ही अंदर कांप करके सिहर उठा। मैं एक प्रकार से आकर्षणबद्ध हो गया। मेरी आंखें खुली हुई थी। उसने अपनी आंखों से मेरे पूरे अंतर को मिलाकर रख दिया। उसकी नाक से निकलते हुए भभके को मैं महसूस कर रहा था, पर मैं अपने पैरों पर खड़ा खड़ा ही लड़खड़ा गया। उसने दूसरे ही क्षण अपना हाथ कंधे से हटा लिया और मुस्कुराकर कपालिक की तरफ मुताबिक होकर के बोली कि ले आओ, अवश्य ही मुझे बलिदान करने के लिए ही यहाँ बुलाया गया है और आज इस रात्रि में ही किसी विशेष तांत्रिक क्रिया संपन्न करने के लिए मेरा बलिदान किया जाना निश्चित है। ये सोच करके मैं पीपल के पत्ते की तरह कांप उठा। मैंने मुड़कर कपालिक की ओर देखा। उसकी आंखों में डोरे लाल हो रहे थे और चेहरे पर एक विशेष प्रकार की पैशाचिकता दिखाई दे रही थी, जो कि ऐसे अवसरों पर चेहरे पर उतर आती है। मैं उन लोगों से घिरा हुआ बलि के बकरे की तरह था जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। वो तो बलि के लिए ही होता है और उसकी बलि निश्चित होती है। एक बार की ही मेरी आंखों के सामने मेरा घर, भावी जीवन के सपने, मुखर्जी बाबू, सब कुछ कौंध सा गया। एक क्षण के लिए सोचा कि न मैं मोह कर इस तरफ आता और ना ही मेरे जीवन में इस प्रकार की घटना घटती। मृत्यु तो जीवन में अवश्यंभावी है, इसलिए मृत्यु से घबराना या विचलित होना मैंने सीखा ही नहीं था। परंतु अकाल मृत्यु तो जीवन का अभिशाप है। अकाल मृत्यु से तो आत्मा को गति भी नहीं होती और न अन्य योनियों में वो जो है भटकता रहता है। कपालिक ने मुझे आगे ढेला और उस यज्ञ कुंड के पास ले जाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर वो भैरवी खड़ी थी। मेरे और भैरवी के बीच मुश्किल से 5-6 इंच का फासला रहा होगा। उसके सीने से निकलती हुई सुगंध और नथनों से निकलती हुई शराब की भवक की मिलीजुली गंध में अनुभव कर रहा था। उसने मेरी ओर एक क्षण के लिए ताका और उस एक क्षण में ही मेरे सारे शरीर का रक्त जम सा गया। उसके चेहरे पर जो कोमलता और मधुरता थी वह एकाएक लोप हो गई। सुंदर कमल के समान आँखें रक्तिम सी हो गई। चेहरे पर खिंचाव आ गया
उसने मुझे एक क्षण के लिए उसी प्रकार से ताका जैसे एक शिकारी अपने शिकार को ताकता है। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, परंतु फिर भी मैं अपने आप में जबरदस्ती हिम्मत और जोश भर रहा था। मृत्यु तो निश्चित ही थी, परंतु इस प्रकार कायरों की तरह मरना उचित नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, जवान हूँ, इन लोगों से बराबरी का मुकाबला कर सकता हूँ, परंतु कायर की तरह बिना हाथ पांव हिलाए मरना भी उचित नहीं समझता। सोचते सोचते मेरे दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भिज गई। तभी उस भैरवी के मुख से एक विशेष प्रकार का शब्द निकला जो सीटी की तरह था। वह शब्द धीमे से ही निकला था, परंतु उस गहन निस्तब्ध अर्धरात्रि में यह धीमा शब्द भी चारों तरफ फैल गया और दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि कई कापालिक उस यज्ञ कुंड के पास आकर खड़े हो गए। सभी विशेष क्रियाओं में संलग्न से प्रतीत हो रहे थे। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में एक विशेष चमक, चेहरे पर खिंचाव, गले में मुंडों की माला, सारा शरीर लगभग नग्न था और उस पर ढेरों ढेरों भस्म लगी हुई थी। मैंने एक नज़र अपने चारों ओर देखा तो उस कापालिक और भैरवी के अलावा मेरे चारों ओर लगभग 10-12 अन्य कापालिक तथा 8-10 भैरवियाँ खड़ी थी। मैं आया तब तो ये सब दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर अचानक कहाँ से आ गए, कहाँ बैठे हुए थे? क्या ये इतने ही कापालिक और भैरवियाँ हैं या इनके अलावा कुछ और भी हैं? मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। उन सभी की नज़रें मेरे ऊपर थी और उन कापालिकाओं को देख करके मेरा मन जो था वो जिज्ञासा से भाव पैदा कर रहा था। भैरवियाँ जो थी वो नग्न और अर्धनग्न सी खड़ी थी, पीठ पर छितरे हुए लंबे बाल, उन्नत वक्षस्थल और मृग चर्म पहने हुए वे यदि कर्ण के आश्रम में भी होती तो अवश्य ही ऋषि कन्याएं प्रतीत होती, परंतु यहाँ तो ये सभी अन्य ऐसी साधनाओं में रत थी जो तांत्रिक क्रियाओं में उच्च कोटि से संबंधित हो सकती हैं। उनकी आँखों के लाल डोरे मेरी इस धारणा को पुष्ट कर रहे थे। जिस भैरवी के पास मैं खड़ा था उसने एक कापालिक को संकेत किया और वो मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। लंबा चौड़ा शरीर, भारी भरकम ढील ढाल, सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल, मदपान से रक्तिम आँखें, उघड़ा हुआ वक्षस्थल और केवल एक लंगोट पहने हुए ये कापालिक पूरा औघड़ लग रहा था। गले में मुंडों की माला पहने हुए और हाथों में पात्र लिए हुए वह उस अर्धरात्रि में भयानक सा प्रतीत हो रहा था। यदि कोई कमजोर मन मस्तिष्क वाला होता तो इस भयंकर अर्धरात्रि में इस ऐसे वातावरण में उस औगड़ को देख करके अवश्य ही उसका प्राणांत हो जाता। उस कापालिक ने अपने हाथ का पात्र जमीन पर रख दिया। मैंने देखा उसमें ताजा रक्त भरा हुआ था, अवश्य ही यह रक्त किसी मानव देह का हो सकता था। संभव है मुझसे किस पूर्व पहले जो है किसी और निर्दोष की बलि ले ली हो और उसके रक्त से यह खप्पर भर लिया हो। उसने मेरे कपड़े उतार दिए। अब धोती खोलकर हटानी चाहिए तो मैंने थोड़ा बहुत प्रतिरोध किया, परंतु उन लोगों के बीच मेरा प्रतिरोध कहाँ मायने रखता था। दूसरे ही क्षण उस औगड़ ने एक झटके में धोती खींचकर अलग कर दी और नीचे पहने हुए बनियान और अंडरवियर को नाखूनों से फाड़ कर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब मैं सर्वथा नग्न सा उन लोगों के बीच खड़ा था। भय के आगे शर्म का तो कोई महत्व ही नहीं होता। उस समय शर्म करने की तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, पर मैंने अब पक्की तरह निश्चय कर लिया कि मेरा बलिदान निश्चित है और मुझे कुछ प्रतिरोध करना ही चाहिए। मैंने कुछ प्रतिरोध किया भी और उस औगड़ के गले पर हाथ रखा जिससे कि मैं उसे धक्का देकर अपने आप को अलग कर सकूं, परंतु मैंने अनुभव किया
कि वो औघड़ पहाड़ की तरह निश्चित है, निश्चल है। मैंने कुछ और प्रतिरोध करने की कोशिश की, तभी मेरे दाहिने गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ लगा और मेरा सारा शरीर और सिर एक बारगी जो है घूम गया। अब देखिए यहाँ से आगे की जो कथा है वो मैं आपको अगली पार्ट टू में सुनाऊंगा, ठीक है। गला भी दुखने लगा है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परम हंस गुरुदेव की जय।